चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज हम करेंगे आज हम करेंगे इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होता है इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब क्या होता है कि टोटल फोर्स क्या हो जीरो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल क्या हो जीरो तो चार्ज पार्टिकल किस में कहलाता है इक्विलिब्रियम में सो अचार्ज पार्टिकल सामने ध्यान देंगे सामने ध्यान देंगे किसी चार्ज पार्टिकल को आप इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे अचार्ज पार्टिकल अचार्ज पार्टिकल इज सेट टू बी इक्विलिब्रियम इफ इट्स इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो किसी चार्ज पार्टिकल पे अगर टोटल फोर्स जो एक्ट कर रही है वो शून्य के बराबर हो जाए तो हम उस चार्ज पार्टिकल को किसमें बोलते हैं इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स एक्टिंग किसके बराबर हो जीरो के बराबर चार्ज पार्टिकल किसमें क्या लाएगा इक्विलिब्रियम नेट फोर्स एक्सटर्नल नहीं आपस में चार्जेस बहुत सारे पड़े कोई एक चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होगा जब सारे चार्जेस की वजह से ओवरऑल फोर्स उस पर क्या हो जीरो ठीक अब ध्यान दीजिएगा प्लीज एक एक पॉइंट जो मैं बोलूंगा ऐसा पॉइंट बहुत एक अलग अलग टर्म्स यूज कर रहे हैं एक टर्म है अब इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है एक ऐसा पॉइंट ग्रुप ऑफ चार्जेस है ग्रुप ऑफ चार्जेस में एक ऐसा पॉइंट जहां पे अगर मैं किसी और चार्ज को रखूं तो उस पर फोर्स क्या हो जाए जीरो पॉइंट को क्या नाम देते हैं न्यूट्रल पॉइंट तो मैंने पॉइंट क्या बोला मैंने अब टर्म यूज की न्यूट्रल पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट कौन सा होता है न्यूट्रल पॉइंट इज अ पॉइंट इज अ पॉइंट इन अ ग्रुप ऑफ चार्जेस इन अ ग्रुप ऑफ चार्जेस एट विच इफ अनदर चार्ज इज़ प्लेस्ड एक्सपीरियंस नो फोर्स उस चार्ज पे नेट फोर्स ना एक्ट करे तो न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को रख दें तो उस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स कितनी हो जाए जीरो उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं न्यूट्रल पॉइंट ये बात समझ में आती है न्यूट्रल पॉइंट निकालते कैसे इस पे आ जाते हैं अब लिखने का काम बेटा मैं समझा दूं उसके बाद आराम से साइड हो जाऊंगा आप लिख लेना मैं अभी उतनी देर थोड़ा रेस्ट कर लूंगा ध्यान दो न्यूट्रल पॉइंट निकालते कैसे बेटे सामने ध्यान दो रूल्स ऑफ फाइंडिंग न्यूट्रल पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट पेयर ऑफ चार्जेस में ऑफ चार्जेस में न्यूट्रल पॉइंट आप कैसे निकालोगे सबसे पहला दो रूल्स इसमें ध्यान रखने हैं। पहला रूल तीन रूल्स रादर। फर्स्ट साथ इफ साथ एक, एक, एक न्यूमेरिकल करके दिखा दूंगा फिर सेकंड रूल बताऊंगा उस पर एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा तो ध्यान दो इफ टू चार्जेस आर सिमिलर इफ टू चार्जेस आर सिमिलर दो चार्जेस सिमिलर हैं सिमिलर होने का मतलब दोनों क्या हुए पॉजिटिव या फिर दोनों क्या हुए नेगेटिव इफ टू चार्जेस आर सिमिलर देन न्यूट्रल पॉइंट इज समवेयर बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस मतलब मतलब अगर यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है यहां पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल पॉइंट इनकी लाइन जॉइनिंग में बीच में कहीं पे होगा ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इधर प्लस प्लेस करूंगा तो ये लेफ्ट वाला जितना रिपेल करेगा अगर राइट right वाला भी उतना ही रिपेल कर दे तो ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी। yes. अगर मैं माइनस बीच में प्लेस करता हूं तो लेफ्ट वाला जितना अट्रैक्ट करे राइट वाला उतना ही अट्रैक्ट करेगा नेट फोर्स फिर से क्या हो जाएगी जीरो सो so, अगर अगर दो चार्जेस सिमिलर हैं तो न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा बीच में कहीं पे कैसे क्वेश्चन की फॉर्म में देखो मैंने बोला टू चार्जेस Plus E and plus four E are placed ten centimeters apart. Find where a third charge small q be placed for it to be. इक्वी लिब्रियम तीसरे चार्ज को मैं कहां रखूं कि वो इक्वी में हो वेरी सिंपल क्वेश्चन जस्ट पे अटेंशन मैंने बोला एक चार्ज है प्लस फोर ई एक चार्ज है प्लस ई e, दोनों को कितने गैप पे रखा टेन सेंटीमीटर पे रखा एक थर्ड चार्ज प्लेस करना है ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस दोनों की लाइन ज्वाइनिंग पे करोगे क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट जब दो चार्जेस सिमिलर होंगे तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में कहीं होगा मान लिया मैंने यहां पे रखा बेटा यहां पे क्यू चार्ज को रखते हैं तो ये अगर एक्स है तो ये कितना हुआ टेन माइनस एक्स सेंटीमीटर में सब कुछ मानते हो इतनी बात दूसरी पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यू आर हंड्रेड परसेंट श्योर दैट फोर्स ऑन दिस स्मॉल क्यू प्लस फोर ई वाला अगर रिपेल करेगा तो प्लस ई e वाला भी रिपेल करेगा प्लस फोर ई अगर करेगा, तो प्लस ई e भी अट्रैक्ट करेगा आपको वो तो नहीं पता ना, आपको वो तो नहीं पता ना कि क्यों पॉजिटिव है नेगेटिव है यह पक्का है कि यह दोनों पॉजिटिव है तो यह अगर रिपेल करेगा तो यह भी रिपेल करेगा यह अगर अट्रैक्ट करेगा तो यह भी अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स एक सौ एक परसेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो वर्ड्स में कैसे लिखोगे आप लिखोगे फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू प्लस फोर ई एंड प्लस ई विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन देयर फोर फॉर नेट फोर्स टू बी जीरो जो दोनों फोर्सेस होंगी के फोरी क्यू बाय टेन माइनस एक्स इंटू टेन टू दोपहर माइनस टू का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू के ई क्यू बाय एक्स इंटू टेन टू दोपहर माइनस टू का स्क्वायर मानते हो बेटा के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर दोनों के लिए क्या कर दिया इक्वेट क्योंकि इक्वेट किया तो बहुत कुछ कट जाएगा k कैंसिल q कैंसिल e कैंसिल टेन टू पार माइनस टू कैंसिल अब दोनों साइड सीधा सीधा स्क्वायर रूट कर दो फोर का स्क्वायर रूट हो गया टू टेन माइनस एक्स के स्क्वायर का हो गया टेन माइनस एक्स राइट साइड पे वन का वन एक्स स्क्वायर का एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए टू एक्स इज इक्वल टू टेन माइनस एक्स एक्स की वैल्यू आ गई टेन बाई थ्री सेंटीमीटर क्या यह बात क्लियर होती है क्या ये बात सबको क्लियर है ऑनलाइन सब बच्चों को क्लियर है बेटा आप सबको क्लियर है नाउ no. एक तो ये हो गया अगर दोनों सिमिलर चार्ज हैं। अगर दोनों चार्ज हो, चार्ज सिमिलर हो गए, अब दूसरा केस बेटा सेंटीमीटर मैंने एक्स सेंटीमीटर में लिया था तभी वहां टेन टोपा माइनस टू किया था ठीक है हाँ जी बेटा वॉल्यूम तेज कर अपना पहले कोई कंडीशन नहीं ली मैंने बोला ये अगर बेटा रिपेल करेगा तो ये भी रिपेल करेगा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में पक्का होगी ये अट्रैक्ट करेगा ये भी अट्रैक्ट करेगा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में पक्का होगी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम होगा तो कट जाएगी ना तो मैंने मैग्नीट्यूड इक्वेट कर दिया ठीक है दूसरा केस इफ टू चार्जेस आर डिसिमिलर न डिसिमिलर एंड अनईक्वल मैग्निट्यूड यह अनईक्वल बहुत जरूरी है क्योंकि अगर अनईक्वल मैग्नीट्यूड नहीं हुआ इक्वल मैग्नीट्यूड हुआ तो न्यूट्रल पॉइंट निकलेगा ही नहीं एंड अनईक्वल मैग्निट्यूड देन न्यूट्रल पॉइंट विल बी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बट नॉट बिटवीन देम ऑन द लाइन ज्वाइनिंग तो होगा पर बीच में नहीं होगा ये एक पॉजिटिव चार्ज है ये एक नेगेटिव चार्ज है अगर आप बीच में किसी चार्ज को कंसिडर करते हो सपोज मैं पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करता हूं तो लेफ्ट वाला पॉजिटिव अगर रिपेल करेगा राइट वाला अट्रैक्ट करेगा क्या जीरो हो सकता है कभी नहीं तो बीच में नहीं होगा न्यूट्रल पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा सिचुएशन में या तो यहां होगा इस एरिया में या यहां होगा ऐसा क्यों ऐसा क्यों अगर मैं इधर पॉजिटिव कंसिडर करता हूं तो यह वाला पॉजिटिव करेगा रिपेल नेगेटिव करेगा अट्रैक्ट अगर कट जाए तो जीरो आ सकता है ना yes, अगर यहां कंसिडर करता हूं ये वाला पॉजिटिव करेगा रिपेल वो नेगेटिव करेगा अट्रैक्ट कट के जीरो आ सकता है कि नहीं आ सकता हमें कैसे पता लगेगा किधर लू उसके लिए यूज करते हैं थर्ड पॉइंट जो जनरल हर जगह चलेगा न्यूट्रल पॉइंट इज ऑलवेज क्लोजर टू चार्ज हैविंग लोअर मैग्निट्यूड जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है उसके पास होगा हमेशा ऐसा क्यों लॉजिकली सोचो आप दोनों फोर्सेस को इक्वेट करते हो सपोज एक चार्ज है क्यू वन दूसरा चार्ज है क्यू टू यह चार्ज रखा मैंने क्यू तो आप मैग्नीट्यूड वाइज क्या कहते हो के क्यू वन क्यू बाय क्यू वन से डिस्टेंस मान लिया आर वन क्यू टू से डिस्टेंस मान लिया आर टू टू क्यू बायर का स्क्वायर हा कि ना के yes, कट गया क्यू क्यू कट गया मतलब क्यू वन बाई आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू टू बाई आर टू स्क्वायर इज इन डेट मतलब चार्ज और आर प्रोपोर्शनल हो गए कि नहीं हो गए सो so, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस चार्ज से डिस्टेंस भी ज्यादा होगा जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उस चार्ज से डिस्टेंस भी कम हो जाएगा आप एक बात बात सुनो याद है 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 ये 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 सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉन यूनिफॉर्म इधर से भारी है इधर से, से हल्का है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां शिफ्ट हो जाएगा भारी की साइड शिफ्ट हो जाएगा ना भारी की साइड शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा या हल्के की साइड शिफ्ट होगा भारी की साइड शिफ्ट होगा क्योंकि हल्के से दूर हो जाएगा वो

मैं बड़ा चार्ज हूं ये छोटा बबलू चार्ज है अब अगर मैं अपने पास देखूंगा तो मेरी फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी मेरी फोर्सेस ज्यादा होंगी मैं ज्यादा लगाऊंगा क्योंकि मेरे चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है इसकी फील्ड दूर कर दिया मैंने तो इस बेचारे की तो कमजोर हो गई ना तो ये कभी कैंसिल कर पाएगा मेरे आसपास फील्ड को मुझे क्या करना पड़ेगा इसकी फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा और अपनी फील्ड को कम करना पड़ेगा तभी कैंसिलेशन होगी तो इसके क्लोजर आऊंगा तभी ऐसा होगा ना इसके क्लोजर इसकी फील्ड स्ट्रांग होगी और मैं दूर हूं मेरी फील्ड कमजोर हो गई तो इफेक्ट कैंसिल कब होगा जब वो छोटे मैग्नीट्यूड के पास होगा मैंने तीन चार तरीके सुचवाए एक तो समझ में आया मैथमेटिकल yes, ये हो गया लॉजिकली सोचो ये चार्ज छोटा है मैं चार्ज बड़ा हूं छोटे चार्ज के पास उसकी फील्ड स्ट्रांग होगी मैं दूर हूं मैं दूर हूं तो मेरी फील्ड वहां तक पहुंचते पहुंचते कमजोर हो जाएगी ना Cancel हो सकती है ना क्योंकि छोटा चार्ज है ना बेचारे की फील्ड तो कमी होगी तो इसकी फील्ड को अगर मैं कैंसिल आउट कर तो वो इसके पास ही कर सकता हूं अगर मैं अपने फील्ड मेरे पास पहुंचते तो पहुंचते बिल्कुल ही मरगिल्ली हो जाएगी तो कैंसिलेशन कैसे होगी इट इज ऑलवेज क्लोजर टू दोअर पिछले क्वेश्चन में भी देखो टेन बाई थ्री आया टेन बाई थ्री कितना होता है थ्री पॉइंट थ्री थ्री किससे डिस्टेंस 3.33 आया छोटे चार्ज से छोटे चार्ज के क्लोजर हुआ कि नहीं हुआ बड़े चार्ज से 6.66 डिस्टेंस आया, सो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा क्लोजर होगा कहां पे चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड क्या ये बात समझ में आती है yes. अब इसका बेस भी क्वेश्चन देखो सपोज yes. करो हाँ बेटे Sir, उसका बिल्कुल हाँ. जैसे आपको बोला टू चार्जेस माइनस फोर ई एंड प्लस ई आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस टेन सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर दस सेंटीमीटर दूर रख दिया इन दोनों चार्जेस को फाइंड वेयर अ थर्ड चार्ज small q be placed for it to be in equilibrium थर्ड चार्ज small Q क्या रखा रखो क्या करेंगे ध्यान दो दो चार्जेस हैं एक चार्ज है कौन सा माइनस फोर ई e. दूसरा चार्ज है माइनस प्लस ई e. दोनों के बीच में गैप है टेन सेंटीमीटर्स का न्यूट्रल पॉइंट इज ऑलवेज टूवर्ड्स मैग्नीट्यूड तो मुझे काजिम बताएगा काजिम किस तरफ होगा ई e की तरफ या माइनस फोर ई की तरफ छोटा e कौन है ई e. मैग्नीट्यूड e. बोला साइन नहीं देखना चार्ज स्केलर है साइन नहीं देखना वहां स्पेसिफिकली लिखा न्यूट्रल पॉइंट इज ऑलवेज क्लोजर टू द चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड सो इट इज क्लोजर टू मैग्नीट्यूड है ई का सो इट इज क्लोजर हेयर सो यहां पे मान लो कहीं पे क्यू मान लो ये डिस्टेंस आ गया एक्स समझ में आती है बेटे बात प्रॉब्लम क्लियर है बेटा आप सबको क्लियर है ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा ओके अब दोनों फोर्सेस इक्वल कर दो आप क्या बोलोगे फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू बोथ चार्जेस विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर श्योर हां की ना एक अट्रैक्ट करेगा तो दूसरा पक्का पक्का रिपेल करेगा देयर फोर फॉर नेट फोर्स टू बी जीरो एफ वन और एफ टू मैग्निट्यूड वाइज क्या होने चाहिए इक्वल पहले की फोर्स कितनी हो गई के फोरी क्यू बाई टेन प्लस एक्स का होल स्क्वायर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो इज इक्वल टू के ई क्यू बाय एक्स का स्क्वायर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो कटिंग पटिंग करो के ई क्यू के ई क्यू क्या काटा टेन टू माइनस टू टेन टू माइनस टू स्क्वायर रूट लो टू अपॉन टेन प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स टू एक्स इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर क्या ये समझ में आता है समझ में आया कोई बात नहीं इससे टेन हुआ ना तो दूसरे से ट्वेंटी हुआ ठीक है कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है इसमें तो मैं अभी तक जो दो क्वेश्चन किए इसमें आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर दैट बोथ द चार्जेस बोथ द फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन इफ दैट इज नॉट द केस देन जैसे आपको बोला क्वेश्चन बोला एक टू चार्जेस कैपिटल क्यू ईच आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस टू डी अपार्ट दो चार्ज है कैपिटल क्यू ईच मतलब दोनों सेम चार्ज होंगे दोनों को मैंने टू डी डिस्टेंस दूर रखा अ थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट of the line joining the two charges what is the relationship between small q and capital q for entire system बी इन इक्विलिब्रियम देख अभी यहां पर क्वेश्चन बदला सिस्टम टू बी इन इक्वलिब्रियम बोला सिचुएशन बनाते हैं पहले कैसा लग रहा है क्वेश्चन अच्छा लग रहा है yes, yes. लगता है ऐसा सीबीएसई में आता है नहीं ना दो बार बोर्ड में आया हुआ है एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन ठीक है जब एआई ट्रिपली होता था उसमें भी आया हुआ है जे होता है अब उसमें भी आया हुआ है यू नेम द एंट्रेंस एग्जाम ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट उसमें भी आया हुआ है सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्कूल एग्जाम पक्का आएगा स्कूल के किसी ना किसी टेस्ट में या किसी ना किसी एग्जाम में ठीक है प्लीज सामने देखो टू चार्जेस प्लस कैपिटल क्यू ईच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस टू डी अ ये दो चार्ज हैं कैपिटल क्यू ये वैसे क्वेश्चन है स्कूल वाले कराते नहीं है सीधा टेस्ट में देते हैं फिर कहते हैं आना चाहिए कैपिटल क्यूच जब तक एक बार कराओगे नहीं बच्चों को इस पैटर्न के क्वेश्चन पता कैसे लगेगा टू डी अपार्ट यही बोला सिचुएशन एक एक करके पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है अ थर्ड चार्ज स्मॉल इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ये तीसरा चार्ज है इसको मिड पॉइंट पे रख दिया अब एक बात बताओ ये कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू को अट्रैक्ट करेगा तो ये कैपिटल क्यू भी अट्रैक्ट करेगा मुझे साइन का नहीं पता ये कैपिटल क्यू अगर रिपेल करेगा तो ये वाला कैपिटल क्यू भी रिपेल करेगा तो ये स्मॉल क्यू तो पक्का इक्विलिब्रियम में होगा और फोर्स भी सेम होगी ना तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे वट एवर मे बी द रिलेशनशिप वॉट एवर मे बी द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू विल ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू ईच कैपिटल क्यू विल बी इक्वल इन मैग्निट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन मानते हो बेटा यहां तक तो कोई शक नहीं स्मॉल क्यू पक्का पक्का 100 परसेंट एक सौ एक परसेंट एक सौ पचास परसेंट इक्विलिब्रियम में होगा आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ स्मॉल क्यू का इक्विलिब्रियम नहीं चाहिए था आपको बोला एंटायर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम मतलब स्मॉल क्यू के साथ साथ आपको कैपिटल क्यू का भी इक्विलिब्रियम चाहिए अब कैपिटल क्यू पे बात करते हैं यह वाला कैपिटल क्यू इस कैपिटल क्यू को 101 परसेंट ट्रिपल करेगा स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू को क्या करना चाहिए अट्रैक्ट पर हमें तो नहीं दिया हुआ ना क्वेश्चन में तो मतलब हम डिसाइसिवली तो नहीं बोल सकते तो अब हम इक्वेट नहीं करेंगे अब हम क्या बोलेंगे फॉर कैपिटल क्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम नाम दे देता हूं इनको इसको ए पॉइंट नाम दे दिया इसको बी पॉइंट नाम दे दिया इसको सी दे दिया ताकि बताने में आसान रहे कैपिटल क्यू इस कैपिटल क्यू के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो प्लस का सम क्या होना चाहिए जीरो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सर यहां आपने इक्वेट किया वहां आप एड करके जीरो कर रहे हो जहां हमने इक्वेट किया यहां वी आर

तो आप इक्वेट नहीं कर सकते आप एड करके जीरो करेंगे जब आप एड करके जीरो करेंगे तो आपके पास आएगा के कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू बाई टू डी का स्क्वायर प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डी का स्क्वायर हुआ जीरो के और कैपिटल क्यू और डी स्क्वायर कट गया क्यू बाय फोर प्लस स्मॉल क्यू इक्वल टू जीरो इनका रिश्ता आया माइनस क्यू बाय फोर तो अगर क्यू पॉजिटिव है तो स्मॉल क्यू नेगेटिव हुआ क्यू नेगेटिव है तो स्मॉल क्यू पॉजिटिव हो जाएगा अपने आप आएगा साइन भी इसको एक और तरीका है सोचने का कि कब ऐड करना है अगर आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो पक्का पक्का चार्ज पता होगा तब आप इक्वेट कर दो अगर आपको चार्ज निकालना है तो इसका मतलब आपको साइन नहीं पता जब साइन नहीं पता तो आप डिसाइसिवली बोल ही नहीं सकते अट्रैक्शन या रिपल्शन तब आप क्या करो एड करके जीरो करो तो जब आपको डिस्टेंसेज निकालने तो मैग्नेटिव इक्वल करो जब आपको चार्ज निकालना है तो एड करके इक्वल टू जीरो करो लॉजिक समझ में आया यहां तक लिखो पहले फिर हम आगे चलेंगे आगे ध्यान दो बेटा इक्विलिब्रियम को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं नोबड़ी राइट्स पहले समझेंगे इक्विलिब्रियम की तीन कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला इक्विलिब्रियम कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है इफ अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम Is slightly displaced from its equilibrium position, and the body is pushed back. टूवर्ड इक्विलिब्रियम देन इक्विलिब्रियम इज स्टेबल कोई भी इक्विलिब्रियम जनरल स्टेटमेंट स्टेबल इक्वलिब्रियम का बोता है जब बॉडी को आप स्लाइटली डिस्प्लेस करते हो उसकी इक्वलिब्रियम पोजिशन से और बॉडी वापस आती है अपनी इक्विलिब्रियम पोजिशन पे तो इक्विलिब्रियम कहलाता है स्टेबल मतलब मतलब प्लीज पे अटेंशन मतलब, जैसे सपोज करो ये ये एक 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 है एक पिट है है पिट आपके पास बॉल मतलब वो क्या करेगी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी सो जब भी कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी तो वो उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो वो क्या करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे ध्यान देना एग्जाम्पल लेते हैं इसका फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये बॉडी है प्लस क्यू दूसरी बॉडी भी प्लस क्यू चार्जेस की टर्म्स में बात कर रहा हूं मैंने बीच में रखा प्लस क्यू मिडल में अगर इसको मैं स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूं राइट right साइड पे तो इट विल बी पुश्ड बैक टू इक्विलिब्रियम कल किया था ना क्वेश्चन एक उसका टाइम पीरियड निकालो ये सब करो याद है ना सो so, अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूं राइट right साइड पे सपोज ये मिड पॉइंट था डी डिस्टेंस पे डी डिस्टेंस पे मैंने बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया यहां पे ले आया x डिस्टेंस डिस्प्लेस करके तो ये डिस्टेंस क्या हो गया डी प्लस एक्स और वो कितना हो गया d माइनस एक्स बॉडी पे दो फोर्सेस एक्ट करती है नेट फोर्स क्या हो जाएगी दोनों का डिफरेंस कौन सी बड़ी है डी माइनस एक्स वाली बड़ी है के क्यू क्यू अपॉन डी माइनस एक्स का स्क्वायर

तो x बहुत छोटा लेते हो d से सो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे डी स्क्वायर सो फोर्स कितनी आ गई के क्यू क्यू इन टू फोर डी एक्स अपॉन डी टू पार फोर कट किया गया फोर के क्यू क्यू एक्स बाई डी क्यू फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एस एच एम करेगा याद है बात याद है ना बात सो so, जब भी कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम से स्लाइटली डिस्प्लेस होगी तो बॉडी क्या करेगी सिंपल हार्मोनिक मोशन अच्छा एक ये केस हो गया और केस देखो सपोज करो सिचुएशन ये हो कल भी किया था ये प्लस क्यू डिटेल में नहीं किया था मैं डिटेल में कराता हूं प्लस क्यू प्लस क्यू और बीच में मैंने रखा माइनस क्यू पॉजिटिव पॉजिटिव में नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव में नेगेटिव अब अगर मैं स्लाइडली इधर डिस्प्लेस होऊंगा तो ये नेगेटिव मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा आई विल बी पुल्ड अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम सो दैट इज नॉट स्टेबल स्टेबल में क्या होता है मेरे को पुशबैक होना है अब अगर मैं ये दोनों मुझे पकड़ के रखे अब मैं आगे जाता हूं तो ये दोनों मुझे वापस रिपेल करेंगे yes. वापस अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे yes. तो आई विल बी पुल्ड बैक टू इक्विलिब्रियम मतलब अब अगर मैं मोशन मेरा ऐसे हो मैं ऊपर ले जाऊं इसको एक्स डिस्टेंस तो अब ये दोनों मुझ पे फोर्स लगाएंगे दोनों प्यार इतना करते हैं F1, F2, F1 और F2 कितना हो गया K, Q, Q बाई डिस्टेंस डिस्टेंस हो गया स्क्वायर रूट करेंगे तो एक्सक्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा सॉल्व करके yes. इतना आता है ना सबको कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक करो कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक करो ये कितना हुआ थीटा ये भी कितना हुआ थीटा ये कितना हुआ थीटा ये कितना हुआ थीटा कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक करेंगे कौन से कट जाएंगे कॉस्ट वाले नेट फोर्स कितनी हो जाएगी एफ वन प्लस एफ टू साइन थीटा मानते हो बेटा yes, इजिली इंटरप्रेट हो पा रहा है ना एफ वन प्लस एफ टू साइन थीटा एफ वन प्लस एफ टू टू के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन थीटा साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बॉन हाइपोर्टन्यूस एक्स अपन रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना आया टू के क्यू क्यू x एक्सप्रक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू स्लाइड डिस्प्लेसमेंट है एक्स बहुत छोटा है डी सेक्सर प्लस डी स्क्वायर को आप क्या लिखोगे डी so, पास एफ कितना आया टू के क्यू क्यू एक्स बाई डी क्यूब आ गया फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट मतलब टाइम पीरियड निकालना होगा इनर्शिया फैक्टर हो जाएगा ये और स्प्रिंग फैक्टर हो जाएगा ये इनर्जिया फैक्टर हो जाएगा मास तो ये सारा खेल किसका था स्टेबल इक्विलिब्रियम का स्टेबल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया yes. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है अगर आप बॉडी को स्लाइटली पुश बैक करो ये पहला टाइप हो गया मैं इसको मिटा देता हूं एक ही पेज पे नहीं होगा पहला टाइप हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम दूसरा टाइप का होता है उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है अगर आप बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करो फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड बॉडी फर्दर पुल्ड अवे तो वो क्या हो जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है इफ अ बॉडी इफ अ बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम

लॉजिकल मतलब इस तरह से है रिज इस पे एक बॉडी है बेचारी आराम से खड़ी है कोई आके धक्का दे दे तो इट विल बी पुल्ड फर्दर अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम राइट सो दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम क्या नाम देते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये बात समझ में आती है बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है सपोज करो ये चार्ज है पॉजिटिव ये चार्ज है पॉजिटिव और बीच में है नेगेटिव और इसको मैं लेफ्ट या राइट धक्का देता हूं अगर मैं लेफ्ट साइड लेके जाता हूं इधर तो इट बी फर्दर पुल्ड अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम yeah, पॉजिटिव पॉजिटिव में नेगेटिव इधर गया तो ये और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना yeah. तो क्या होगा इल बी पुल्ड फर्दर अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम इसी तरह दूसरा केस सपोज करो पॉजिटिव पॉजिटिव बीच में पॉजिटिव और ऊपर ले गया ऊपर पुश किया तो ये क्या होगा इसका फोर्स हो गया इधर इसकी वजह से फोर्स होगा इधर तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा कि नहीं होगा ठीक है समझ में आ गया पॉजिटिव पॉजिटिव में भी पॉजिटिव आगे गया तो ये भी मुझे रिपेल करेगा ये भी मुझे रिपेल करेगा नेट फोर्स हो गई आगे की तरफ आई विल पुल्ड फर्दर अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम इसका मतलब एक चीज नोटिस करो प्लस 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 वाला केस अगर है तो ऐसे इक्विलिब्रियम है स्टेबल और आगे पीछे करता हूं तो कौन सा इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल अगर प्लस प्लस माइनस का केस है ऐसे इक्विलिब्रियम क्या है स्टेबल और ऐसे क्या है अनस्टेबल सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज कैन नेवर बी स्टेबल इक्विलिब्रियम इन ऑल ओरिएंटेशंस मैं ये बोल ही नहीं सकता कि कोई चार्ज हर ओरिएंटेशन में स्टेबल है अगर वो एक ओरिएंटेशन में स्टेबल है तो दूसरी ओरिएंटेशन में हंड्रेड परसेंट क्या होगा अनस्टेबल सो इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ऑलवेज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ऑलवेज अनस्टेबल समझ में आई बात क्लियर तीस प्लस प्लस मैं माइनस आगे जाता हूं तो पीछे पुल होगा ये क्या हो गया स्टेबल अगर मैं लेफ्ट जाता हूं तो राइट right वाला मुझे और पुल करेगा ना अपनी तरफ तो ये हो गया ओरिएंटेशन अनस्टेबल ठीक है तो एक में स्टेबल है तो दूसरे में क्या होगा अनस्टेबल इसी तरह एक में स्टेबल है तो दूसरे में क्या होगा अनस्टेबल कभी भी हर ओरिएंटेशन में स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है तो ये उसमें भी आ जाता है रीजनिंग वगैरह में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अनस्टेबल इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स इट इज ट्रू इट इज ऑलवेज अनस्टेबल मतलब अगर मैं बोलू इट इज स्टेबल मैंने बोला मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम हूं स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब मैं हर ओरिएंटेशन में स्टेबल हूं वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना मैं एक ओरिएंटेशन में स्टेबल हूं तो दूसरे में क्या हूं अनस्टेबल तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वो काम नहीं आएगा नाम के लिए मैं बता रहा हूं इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब है इफ अ बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन

इधर जाए यहाँ भी स्टेबल है इधर जाए यहाँ भी स्टेबल है पॉसिबल ही नहीं है बाकी चार्जेस कुछ तो मजे लेंगे ना उससे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं होता ये मैंने सिर्फ इक्विलिब्रियम का टाइप बताया है इसका मतलब क्या है जैसे ये बॉडी ये सरफेस है एक बॉडी रखी है वेट नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है थोड़ा सा आगे धक्का दे दो वहां पे भी वो रुकी रहेगी ना डेड yes. बॉडी है आगे ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉफिन को आगे धक्का दे दो भागने थोड़ा ना लगेगा समझ गए बात तो ये इस टाइप के इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है न्यूट्रल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं है इलेक्ट्रो में इलेक्ट्रिसिटी में कौन से टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं सिर्फ दो टाइप के एक स्टेबल और दूसरा अनस्टेबल एक मिनट असाइनमेंट बुकलेट देना पेज नंबर होमवर्क लिख लीजिए पेज नंबर गया एटीन पेज एटीन टॉपिक वन पॉइंट वन नाइन क्वेश्चन नंबर वन टू फोर्टीन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में ये अटेम्प्ट करने बाय नेक्स्ट क्लास yes. अगली क्लास में हम इसको वाइंड अप कर देंगे पूरा Thank you.